सीन से पहले डिस्कशन भी होती थी, अगर नहीं होती थी तो जैसे अगर मैंने किया है तो वो कह देते थे कि मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं करें आप, या अगर ऐसे कर लें, या ये आंखें नहीं घुमाना, या फिर ये कि थोड़ा सा और कर सकती हैं, थोड़ा और मज़ा ले लें। इसमें कैरेक्टर था कि मज़े लेगी भाई, वो तंग कर रही है, वो मज़े ले रही है, तो वो जब तक मैं खुद इंजॉय नहीं करूँगी तो वो दूसरा भी इंजॉय नहीं कर सकता देखने वाला, कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं तंग कर रही हूँ, टीज कर रही हूँ। तो अली को तो वैसे टीज करने का बड़ा मज़ा आता है, तो अली बहुत बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था ना, हमारी पहली डिस्कशन हुई थी और हम लोग जैसे डिस्कशन करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स की और कैरेक्टर्स की, तो वो यही बात हुई थी कि एक्टिंग ऐसी करनी है कि लगे कि एक्टिंग नहीं कर रही, नहीं कर रहे। नेगेटिव में, वरना ऐसा होता है ना कि आंखें घुमाना, चीखना, चिल्लाना, ये करना, ज़्यादा कर देना। तो वो मुझे ये था कि मैं ओवर एक्टिंग ना करूं, अंडर हो जाए, उसमें बचत हो जाती है, लेकिन ओवर एक्टिंग में बचत नहीं होती। तो ये किसकी तरफ, डायरेक्टर की तरफ से ये आपको आई थी गाइडेंस, या आपने नहीं, खुद डायरेक्टर डिसाइड की किया हुआ तरफ था? से भी मुझे भी ये था, मैं बहुत डर डर के कर रही थी कि कहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अली से भी जैसे डिस्कशन हो रही थी तो ये था कि आंखें नहीं घुमाना, ये नहीं करना, बहुत नेचुरल और मैं करना, इस बात पे बहुत आऊंगी। नेचुरल करना। मुझे एक है मेरे पास आपके लिए एक बात, इसके लिए बाद में मुझे ये बताएं, बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप आपके और अली के काफी इंटीमेट सीन्स हैं थ्रू हाँ आउट, हर थोड़ी बात, इवन अगर निकल भी गई है शहबाज की जिंदगी से, फिर भी आके कहीं ना कहीं, अभी कल ही जब मैं दोबारा, यू नो, आई हाँ वाज जस्ट रिफ्रेशिंग सम ऑफ द सीन्स, तो मुझे वो बैल्कनी वाला सीन आया जिसमें आपने वो नाइटी आई थिंक पहनी हुई और बड़ी हाँ करीब आप उसको थोड़ा सा धक्का देती हैं, यू नो, हाँ तो कुछ ऐसा। वो उसको करीब करती है कुछ इस हाँ तरह। तो मुश्किल था बिकॉज इससे पहले मैंने आपके ड्रामे देखे उनके साथ, बट इतना, एक तो इतना फ्लर्ट किसी में नहीं था, हाँ ऐसा बहुत ही कैरेक्टर सीधे नहीं था ऐसा ना। कैरेक्टर नहीं था, तो इंटीमेट सीन्स करने में मुश्किल हुई अच्छा, या? मुश्किल होती है, क्यों नहीं होगी मुश्किल, एंड तो बिकॉज ही इज योर फ्रेंड ऑल्सो। मैं, हाँ तो हाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है कि यार कैमरे पे कैसा आ रहा होगा, स्क्रीन पे क्या, और हम लोग आपस में ही वो कह रहे होते थे ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या, लेकिन सिचुएशंस भी ऐसी हैं, क्या करके जस्टिफाई करें, कैसे करें। तो ये था कि जैसे कोशिश हमने की कि बस ना यार इससे ज़्यादा ना हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन कुछ कर कर आके जिसपे काफ़ी इशू भी बने, चीज़ें हुई, लेकिन मैं, हम दोनों ही इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि यार ये इस तरह से ना शूट हो, या इस तरह से ना करें, लेकिन आई थिंक वो डायरेक्टर की भी कॉल होती है कि वो अब जिस तरह से जस्टिफाई करना चाह रहा है सिचुएशन को, कैरेक्टर को, हमारी जितनी भी से हो डायरेक्टर की से, वो लास्ट कॉल डायरेक्टर की होती है, होनी भी यही चाहिए, होनी भी होनी यही भी यही चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल तो जब कैरेक्टर पढ़ रही थी उसी वक्त एक खाका दिमाग में बनना शुरू हो गया था कि मैं इसको ऐसे करूंगी, ये ऐसे होगी, ये ऐसे बोलेगी, ये ऐसे करेगी, मुझे या बस ये फिर? था, मैंने इस तरह से नहीं किया था कि ये ऐसे बोलेगी या क्या, बस मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे एक्टिंग में जो कर भी रही हूँ तो एक्टिंग नज़र आनी नहीं चाहिए, मुझे ओवर एक्टिंग नहीं करनी, चाहे लोगों के लिए वो नेगेटिव होगी, लेकिन उसके पास अपने आप की जो भी वो उसके एक्शन है उसकी जस्टिफिकेशन होगी, अपनी नज़र में वो नेगेटिव नहीं है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, उसके पास सारी चीज़ें, मतलब उसको पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए, उस वो है, शायद ऐसा वक्त अपना ज़िंदगी का देख चुकी है, दुनिया को देख चुकी है, अब उसको ये सब कुछ ठीक लगता है, तो वो तो ठीक है ना अपने लिए, तो मैं वो सब कुछ यही सोच के कर रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ, और ऐसा होता है और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो गुलो गुलजार में भी नेगेटिव था, हाँ इसमें भी, तो ये लेने से पहले थोड़ा दिमाग में था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल वैसे ही, सेम हाँ नहीं लगे। मतलब ये, बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट, ठीक है? तो मुझे ये था कि दिमाग में आपके था कि बिल्कुल वैसा ही ना लगे कि वही चीज़ मैं दोबारा कर रही हूँ। हाउ डिड यू इंश्योर कि मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करूँ? डायरेक्टर से आपने ये डिस्कस किया हाँ कि ये मुझे ये चीज़ था, डेफिनेटली हो कि उसकी उसकी झलक ना आए उस नहीं कैरेक्टर आए के? बिल्कुल भी, और मैंने कोशिश भी की कि नहीं आए। इसमें ये था कि उसमें वो अपने लिए, वो सेल्फिश बहुत थी, वो अपने लिए सब कर रही थी, उसे ये भी चाहिए, उसे वो भी चाहिए, वो लालची थी। इसमें ये है कि वो रिवेंज ले रही है, वो रिवेंज ले रही है, और वो मोहब्बत में कर रही है, फारिया मोहब्बत में कर रही है जो कर रही है, मैंने और बाद ये से शादी समझ, भी मोहब्बत में की थी उसने। उसने, वो कुछ भी कर सकती है, वो कहते हैं ना इश्क मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो उसके लिए सब कुछ जायज़ था। तो अरबाज, उस अरबाज नहीं, सॉरी, शहबाज, मुझे लगता है वो इटर्नल लव है उसके लिए, इज इट? लग नहीं रहा, लग रहा है मुझे, जो अभी नई मैंने बिल्कुल है ये इंटरव्यू से बिल्कुल पहले जो मैंने प्रोमो का टीजर, वो उसका टीजर,
एपिसोड का जो प्रोमो देखा है उसमें जो उससे वो बोल रही है, मैं यही सोच रही थी कि वो क्या करेगी। वो एक इंसान, एक इंसान के पीछे इतना सब कुछ, इतने आगे तक कैसे जा सकता है? तभी जा सकता है जब, और हर एक इंसान की मोहब्बत डिफरेंट किस्म की होती है ना, मोहब्बत किसी की जुनूनी होती है, है, किसी की होती है कि यार चलो तुम जहाँ खुश हो हम तुम्हें खुश देख के खुश हैं, और कुछ होते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, तुम मेरे हो या तुम मेरी हो। लेकिन जब उसको, तो फिर शुरू में क्या उसने उस वक्त रियलाइज नहीं किया था जब उन दोनों की शादी हुई हुई थी कि ये मैं इस शख्स को इतना जानती हूँ, उस वक्त उसने क्यों वो सब कर रही थी कि ईगो बड़ी बहुत बुरी चीज़ होती है ना। ओके ईगो वही बात है ना, मोहब्बत क्या उसके ऊपर ईगो आनी नहीं चाहिए, लेकिन ईगो भी है, सब कुछ है, और ये भी रिवेंज भी है कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसको उसके बाद सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद उसको ज्यादा एहसास हो रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये हो नहीं सकता, मैं इसे करने नहीं दूंगी, ये भी थोड़ा दिमाग में चल रही है। तो वो अगर अब शहबाज को पा लेगी तो आपका ख्याल है वो खुश हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर वो मूव ऑन करेगी दोबारा किसी नए मार्के को सर करने के लिए? मुझे लगता है जब रिलेशनशिप में इतनी चीज़ें आ जाएँ और इतनी बातें आ जाएँ तो खुश रहना मुश्किल हो जाता है। आपका सेटिस्फाई होना, इतनी बातें हो गई, इतने लोग आ गए बीच में, तो लेकिन देखें आगे क्या होता है। ये तो है, बैकलैश से डर लग रहा था, इतना नेगेटिव कैरेक्टर और काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सपेक्ट कर रही थी कि बैकलैश होगी, डर लग रहा था और जब उसका हुआ था, जलन का हुआ था, आई नो, तो तब तो हम लोग सब कहे थे कि भाई फितरत भी कुछ इसी तरह, उस तरह का तो नहीं लेकिन बैकलैश आ सकता है, क्योंकि उस चीज़ को अगर पकड़ लिया तो हमारी चीज़ को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि जितना बैकलैश आता है उतना लोग जो है जो, और लोग भी होते हैं जो पसंद कर रहे होते हैं। बट डायरेक्टली आपको अफेक्ट हुआ, कोई बात पढ़ी, कोई सुनी जिसको थोड़ा सा हुआ देख के? अब मुझे नहीं होता, नहीं ना मैं पढ़ती हूँ, और मुझे बस अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही होती हैं तो देख लेती हूँ, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी ओपिनियन है, सब सही बात है। हम काम इसलिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, वो राय आती है आ सकती है। मुझे फारिया की बड़ी मजे की बात लगती है मुझे, ये फारिया के कैरेक्टर की, जब मैं कल भी देख रही थी, मतलब इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन जब उस, लेकिन मैं ड्रामे में वेट कर रही होती हूँ, मुझे ना जो यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामों में नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आप कहते हैं यार ये मुझे नहीं देखना है इसको ना, मुझे फॉरवर्ड करना है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत जगहों पे गुल गुलजार में भी अक्सर मैं तंग आके थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती थी, यू नो मैं किंजा का ज्यादा देख रही होती कि वो बिचारी है, यू नो जो भी, लेकिन इधर मुझे क्योंकि हम लोगों को बिचारी देखना है शायद, नहीं बिचारी नहीं बस वो नेगेटिव, हमें लोग कहते हैं आप, नहीं मुझे बिल्कुल बिचारी नहीं देखना, आप इतना रोती क्यों है, इसलिए रोते हैं क्योंकि आप लोगों को रोते हुए देखना है, आप देख भी तो रहे हैं ना, ट्रू ट्रू, इसलिए रोते हैं हम, वरना हमें शौक नहीं है, पूरा सुबह उठे चुप पे गए रोना शुरू किया है, घर आते हुए जो है हम चुप हुए पूरा दिन के बाद। वो तो एक अच्छी बात तो ये कि रोना नहीं पड़ा इसमें ना, यू मस्ट बी सो हैप्पी, ये तो सबसे अच्छी बात है, कहीं कुछ नहीं, ना आंखों में दर्द, ना सर में दर्द, बल्कि दूसरों का सर में दर्द करना है, आंखों में दर्द करना है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट फारिया के कैरेक्टर का ये मजे की बात है कि वो आप उससे ना इरिटेट ही होते हैं, वो आप कोई सर पे चढ़ती नहीं है, यू आर नॉट लाइक ये क्या करती है, यू गेट अम्यूज्ड बाय हर कैरेक्टर कि अब ये कर दिया इसने, आई थिंक ये मैंने मजे से किया है शायद, इसलिए